तुम लोग को इस पाठ में नौ धारा वाली हिसाब बतला रहे हैं, जो कि इस पर थ्योरी बतला चुके हैं। कोई थ्योरी बतलाने की आवश्यकता नहीं है। धारा के अनुकूल नाव की गति में, नाव की चाल में, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर नाव की अपनी चाल जोड़ धारा की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल बराबर नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ये पहले वाला पार्ट में बतलाया जा चुका है। तो आंसर एक, ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा की ओर, दो घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो मान लो ये कोई नदी है, धारा की दिशा बाईं ओर से दाईं ओर है। दाईं ओर से बाईं ओर नहीं हो सकती है। चलो इसी ओर में, दाईं ओर से बाईं ओर है। बिंदु ए से ऋतु नाम की लड़की धारा के अनुकूल दो घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो एक घंटे में 10 किलोमीटर। और धारा के प्रतिकूल दो घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी अस्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कोई भी व्यक्ति, अस्थिर जल कहाँ होता है? तालाब में, है ना, पोखरा में, कुआं में, तो कुआं में तैरना मुश्किल है। तालाब में, हाँ, नदी छोड़ करके सब जगह कहो ना, समुद्र में भी अस्थिर जल ही होता है, लेकिन जब तरंग उठता है तो जल में गति होती है। तो धारा के अनुकूल प्रश्न से ऋतु धारा की अनुकूल कितनी चलेगी? तो प्रश्न से ऋतु धारा के अनुकूल दो घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो प्रश्न से ऋतु धारा के अनुकूल दो घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 20 किलोमीटर तैर सकती है। इसीलिए एक घंटे में कितना, 20 बटा दो किलोमीटर बराबर 10 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल जब ऋतु तैरेगी तो ऋतु की चाल क्या होगी? ऋतु की चाल प्लस धारा की चाल होगी। तो लिख सकते हैं, अतः धारा के अनुकूल ऋतु की चाल बराबर एक घंटे में 10 किलोमीटर। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो एक घंटा तो इकाई समय हुआ, तो ये ऋतु की चाल धारा के अनुकूल एक घंटा में 10 किलोमीटर हुआ। यानी 10 किलोमीटर एक घंटा में, अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर घंटा। एक ये निकला, पुनः प्रश्न से इसके बाद है, धारा के प्रतिकूल दो घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है ऋतु। तो पुनः प्रश्न से धारा के प्रतिकूल ऋतु दो घंटे में 4 किलोमीटर।
धारा के प्रतिकूल ऋतु दो घंटे में चार किलोमीटर जाती है, इसीलिए एक घंटे में चार बटा दो किलोमीटर तैरेगी। तो ये दो हो गया, अतः धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल है ना, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितना निकला? दो किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु की चाल बराबर दो किलोमीटर एक घंटा में, तो दो किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न से इतनी बात निकला जी। तो इसको समीकरण एक मानेंगे और धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल बराबर दो किलोमीटर प्रति घंटा, इसको समीकरण दो मानेंगे। तो ये प्रश्न में जो बात दी हुई है इसके अनुसार ये निकला है जी। तो चलो देखो, तो ये प्रश्न में दिया हुआ है इससे निकल गया है ऋतु की चाल धारा के अनुकूल और ऋतु की चाल धारा के प्रतिकूल। कह रहा है ऋतु की चाल निकालिए अस्थिर जल में, तो कोई भी व्यक्ति अस्थिर जल में अपने फोर्स के द्वारा आगे बढ़ेगा, लेकिन जब ये धारा में जाएगा नदी की धारा के साथ, तो धारा की दिशा में धारा की चाल साथ देगा अपनी चाल के अलावा। तो मान लेते हैं ऋतु की कुछ चाल है और धारा की भी कुछ चाल है, तो मान लेंगे ऋतु की चाल, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। देखो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितना है? प्रश्न से धारा के अनुकूल ऋतु की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा जी। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल कितना होगा? ऋतु की अपनी चाल माइनस धारा की चाल। अनुकूल है, अनुकूल की मतलब धारा की ओर, प्रतिकूल का मतलब विरोध विरुद्ध। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल जो धारा की चाल बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु की चाल हम लोग कितना माने हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितना माने हैं? y किलोमीटर प्रति घंटा। y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा कॉमन निकालेंगे तो हट जाएगा, तो बच जाएगा x प्लस y बराबर 10। समीकरण एक होगा जी। फिर धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितना निकला है? धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितना होगा? ऋतु की चाल माइनस धारा की चाल होगा बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु की चाल कितना माने हैं? किलोमीटर प्रति घंटा माइनस धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
दो किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा कॉमन से हट जाएगा तो बच गया एक्स माइनस वाई बराबर दो, समीकरण दो। एक और दो में देखो, एक और दो को जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई बराबर दस, एक्स माइनस वाई बराबर दो, ये कट गया दो एक्स बराबर दस दो बारह, इसीलिए एक्स बराबर बारह बटा दो बराबर छ, तो एक्स का मान आया छ, एक्स बराबर छ। एक्स का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, यहाँ छ रखेंगे इस ओर जाएगा माइनस छ, तो दस में से छ गया चार, वाई बराबर चार होगा। अब एक्स का जगह छ रख दो तो छ किलोमीटर प्रति घंटा ऋतु की चाल, वाई की जगह चार रख दो, धारा की चाल चार किलोमीटर प्रति घंटा है ना, समझे इसको जी। कितना दो हिसाब और बच रहा है, दो हिसाब तो रहने दो, पांच मिनट।